आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म है अनुराग कश्यप निर्देशित मनमर्जियां। इसमें मुख्य भूमिका में हैं विकी कौशल, अभिषेक बच्चन, तापसी पन्नू। मनमर्जियां एक इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और इसकी कहानी एक लव ट्रायंगल पर आधारित है जिसे लिखा है कनिका ढिल्लन ने। और इस लव ट्रायंगल में है तापसी पन्नू रूबी की भूमिका में, विकी कौशल विकी की भूमिका में, अभिषेक बच्चन रॉबी की भूमिका में। इसकी कहानी को समझने के लिए आप हम दिल दे चुके सनम को रेफर कर सकते हैं। इस फिल्म में तापसी विकी कौशल से बेपनाह प्यार करती हैं, जो एक डीजे है और एक अच्छे ब्रेक के इंतजार में है। उधर एनआरआई अभिषेक बच्चन शादी के लिए अपने घर अमृतसर आता है और तापसी और अभिषेक का विवाह हो जाता है, क्योंकि विकी शादी की जिम्मेदारी निभा पाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन वो भी बेपनाह प्यार करता है तापसी से। लेकिन अब शादी के बाद क्या होता है, क्या अभिषेक और तापसी एक दूसरे के हो जाते हैं, या तापसी अभी भी विकी को भुला नहीं पाती, क्योंकि उधर विक्की भी नहीं भुला पा रहा है। फाइनली तापसी फिल्म में किसे संपूर्ण रूप से अपनाती है, अभिषेक को या विकी को, यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिल्म की कहानी नहीं सुनाता, रिव्यू करता हूं, पोस्टमार्टम करता हूं। फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने बेहतरीन ढंग से किया है। फिल्म फर्स्ट हाफ में काफी सशक्त है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म ड्रैग होती है, धीमी गति से आगे बढ़ती है। फिल्म में सभी कलाकारों ने अभिनय बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाया है, किया है। सभी किरदारों ने अपने अपने कैरेक्टर को बखूबी जिया है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की बेहतरीन है। अमृतसर की छोटी छोटी गलियों को बड़ी सुंदरता के साथ कैमरे में कैद किया गया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की गति को बढ़ाने में बहुत सहायक है। अब बात आती है मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। मनमर्जियां एक बेहतरीन रोमांटिक इमोशनल ड्रामा है। टीनेजर्स के लिए एक सबक है कि सिर्फ प्यार से ही रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी छूट जाती है। मनमर्जियां एक मनोरंजक फिल्म है। लव, इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, उम्दा डायलॉग डिलीवरी से सुसज्जित एक पैसा वसूल फिल्म है। मनमर्जियां को मेरी रेटिंग है 3.5 out of 5। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली हमारे अनबायस्ड मूवी रिव्यूज मिलते रहें। नमस्ते।